Question number 7. Radial and transverse components of velocity of a moving body are lambda r and mu theta. Find the radial and transverse components of acceleration. तो acceleration के आपने radial और transverse components find out करने हैं, जबकि moving body के velocity के radial और transverse components lambda r और mu theta हैं respectively. तो ये simple सा question है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास radial component क्या दिया हुआ है, इसके पीछे लिखा गया रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू वी आर एंड इट इज इक्वल टू आर डॉट. आर डॉट के इक्वल होता है और दिया किसके इक्वल है, ये लैम्डा मल्टीप्लाइड विद आर. सो दिस इंप्लाइज आर डॉट इज इक्वल टू लैम्डा आर. लैम्डा कांस्टेंट है, दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लैम्डा बार तो डी बाई डी टी ऑफ आर आ जाएगा, यानी कि लैम्डा आर डॉट आ जाएगा. लैम्डा आर डॉट आ गया, वैल्यू फिट करें. लैम्डा आर डॉट के बजे क्या आ जाएगा, लैम्डा आर. तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट आर डबल डॉट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आर. और इसी तरह से आपको रेडियल कंपोनेंट दिया हुआ है वेलोसिटी का, किसके इक्वल होता है, आर मल्टीप्लाइड विद थीटा डॉट के इक्वल होता है. तो आपने यहाँ पे अब थीटा डॉट की वैल्यू फिट कर देनी है. इट्स इक्वल टू आर डी बाय डी टी ऑफ थीटा. इसके इक्वल हो गया और इससे क्या पता चलता है, ये है किसके इक्वल, म्यू थीटा के इक्वल है, म्यू थीटा. तो अब यहाँ से आपके पास आर थीटा डॉट इज इक्वल टू म्यू थीटा आ गया. तो यहाँ से आप खाली थीटा डॉट की वैल्यू निकालें तो आर को आप यहाँ पे जाके डिवाइड करेंगे, म्यू थीटा डिवाइड बाय आर. ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन के लिए आपको थीटा डॉट डबल डॉट चाहिए, तो इसलिए आप इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, आर थीटा डॉट डॉट इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेना, यू बाहर चला जाएगा, थीटा डिवाइड बाय आर. अब थीटा का डेरिवेटिव लें आप विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बन जाता है थीटा डॉट मल्टीप्लाइड बाई विथ नीचे वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव थीटा डॉट डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, क्वेश्चन रूल ऑफ द डेरिवेटिव्स लगाया. और यहाँ से आपके पास थीटा डॉट डॉट का क्या आंसर आ जाता है, ये इक्वल टू आ जाता है म्यू एज इट इज, ये जो वैल्यूज निकाली हैं ये डालें, थीटा डॉट किसके इक्वल है, म्यू थीटा ओवर आर. तो आर और आर कट जाएंगे तो आपके पास सिर्फ म्यू थीटा रह जाएगा, माइनस थीटा एज इट इज. आर डॉट की वैल्यू निकालें किसके इक्वल थे, लैम्डा आर के इक्वल है, तो थीटा मल्टीप्लाइड विद लैम्डा मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो ये वैल्यू आपकी आर थीटा डॉट डॉट की निकली है. चाहे तो यहाँ पे आप म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो वन बाई आर स्क्वायर, म्यू को अंदर किया थीटा, म्यू स्क्वायर थीटा माइनस म्यू थीटा.
theta lambda r. ये थीटा डॉट डॉट की वैल्यू निकली. अब ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालें. रेडियल पहले निकालना चाहिए था. चलो खैर कोई बात नहीं. आर थीटा डॉट डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट. ये फॉर्मूला है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. सिंपली वैल्यूज पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा. इज इक्वल टू आर थीटा डॉट डॉट क्या निकाला हमने, वन बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ म्यू स्क्वायर थीटा माइनस म्यू थीटा लैम्डा आर. और फिर इसके बाद प्लस टू आर डॉट की वैल्यू लैम्डा आर थीटा डॉट की वैल्यू म्यू थीटा ओवर आर. आर आर से कट गई ये वाली आर भी इस वाली आर की पावर के साथ कट गई. अब आपने थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई कर देना तो एलसीएम कर लेते हैं इसका. या तो अगर आप एलसीएम ना भी करें आर को सिंपली इन दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख लें. नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा ओवर आर. और फिर म्यू थीटा लैम्डा आर ओवर आर, आर आर से कैंसिल तो म्यू थीटा लैम्डा माइनस म्यू थीटा लैम्डा. इसी तरह से यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस टू लैम्डा म्यू थीटा प्लस टू लैम्डा म्यू थीटा. ये दोनों एक ही हैं. इसका कोफिशियंट टू है, इसका वन है, तो टू माइनस वन वन प्लस वन प्लस म्यू थीटा लैम्डा. तो ये आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ गया. इसी तरह से अब आपने दूसरे वाला कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है. वो है रेडियल कंपोनेंट. तो रेडियल कंपोनेंट होपफुली आप लोग खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो रेडियल कंपोनेंट क्या होता है, ये आप खुद भी कर सकते हैं. एक्सीलरेशन तो आर डबल डॉट डॉट माइनस थीटा डॉट का होल स्क्वायर. इसके बाद अपने क्या करना है, वैल्यूज फिट आउट कर देनी है.
आर डबल डॉट निकला था लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर एज इट इज, और थीटा डॉट की क्या वैल्यू निकली थी, म्यू थीटा ओवर आर, इसका स्क्वायर म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर आर से कट हो गया, आर म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर, सिंपली ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ कॉमन लेना चाहें या ना भी लें तो फिर भी इट्स ओके, आर स्क्वायर आता है, सॉरी ये इसके साथ कट हो जाएगा और नीचे ये आ जाएगा, तो ये आपके दो आंसर हो जाएंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको क्या करना है, आपसे कहा जा रहा है इफ द पाथ ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ प्लेन इज एन इक्विएंगुलर स्पाइरल दिस वन एंड द रेडियस वेक्टर हैज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक बॉडी है वो एक प्लेन में मूव कर रही है और उसका जो पाथ बन रहा है वो है क्या, वो इक्विएंगुलर स्पाइरल है जिसकी इक्वेशन है आर इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, और इसका जो रेडियल वेक्टर है ये रेडियस है वो क्या कर रहा है, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। आपको क्या करना है, शो दैट द रिजल्टेंट, शो दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे आना चाहिए, शो दैट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मेक्स एंगल टू अल्फा विद द रेडियस वेक्टर। तो रिजल्टेंट रेडियस नहीं था, रेडियस नहीं, रेडियस द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर मेक्स एंगल टू अल्फा विद द रेडियस वेक्टर। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के साथ टू अल्फा एंगल बना रही है एंड इज ऑफ मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर ओवर आर वेयर वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए पहले हम कुछ चीज़ें निकालेंगे। जब भी हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है और एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आ जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड आ जाए, तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के केस में वी ऑलवेज हैव टू मेक यूज ऑफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब हम वो फाइंड आउट करते हैं, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होते हैं। रेडियल कंपोनेंट, अब तो ये आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, इज इक्वल टू आर डॉट डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, दिस इज योर रेडियल कंपोनेंट। इन द सेम वे नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, इट्स इक्वल टू आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर थीटा डॉट, तो आर डॉट थीटा डॉट। तो ये हमारे ओके, लेकिन इनके लिए अब हमें क्या क्या चाहिए, आर का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालने हमने। तो ये निकालने से पहले हमें ये रेडियस ये दिया हुआ है इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा, ये आपको इक्वेशन दी है स्पाइरल की। यहाँ से आपने क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको देखें ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है और अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो देयरफॉर वी हैव टू मेक यूज ऑफ चेन रूल। तो वो करने से पहले e की पावर से हम इसको नीचे उतारते हैं, दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग ले लें, तो
natural log of r is equal to natural log of a e की पावर थीटा cot alpha. Let me change the ball point. तो अब यहाँ से आपने नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया दोनों साइड्सों पे, तो ln of r comes out to be equal to ln of a plus ln of e की पावर थीटा cot alpha. तो ln a प्लस ये शुरू में आ जाएगी थीटा cot alpha ln e. तो यहाँ से आपके पास natural log of r is equal to ln a plus theta cot alpha ln e क्या होता है 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं. ये ln r का वैल्यू आ गया. यहाँ से अब आपने डेरिवेटिव लेना है. ln r का डेरिवेटिव आप लेना है आपने with respect to theta. तो with respect to theta पहले ले लेते हैं, तो 1 over r dr by d theta is equal to, there is no involvement of theta, therefore the derivative of this with respect to theta is 0. Similarly iska kya aayega, theta ka with respect to theta 1 ho gaya. So ye simply cot alpha ke equal aa gaya. Ye constant hai, iska derivative 1 cot alpha. Yahan se dr by d theta की वैल्यू आपके पास r को उठा के दोनों साइड पे दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कराएं, दोनों साइड से cot, दोनों साइड पे r को मल्टीप्लाई किया तो dr by d theta का वैल्यू आ गया हमारे पास. अब इसी तरह से हमने d theta by dt की वैल्यू निकाली, तो d theta by dt क्या चीज़ है, थीटा क्या है? थीटा आपका एंगल है जो आपका रेडियस वेक्टर बना रहा है विद एक्स एक्सिस, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा का टाइम डेरिवेटिव एंगुलर स्पीड कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है. अब एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर क्या दी हुई है, कांस्टेंट है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी is the rate of change of instantaneous rate of change of angular displacement, और ये किसके इक्वल है, constant, constant के इक्वल है, is equal to omega. लेट करें ये हमने omega के इक्वल रख दिए, see हमने इसको omega के इक्वल रख लिया. तो यहाँ से d theta by d dot, sorry dt यानी कि थीटा डॉट कितना आ गया आपके पास, ओमेगा आ गया. अब हम चेन रूल को यूज करते हुए डी आर बाई डी टी निकाल सकते हैं, आर डॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो यहां से निकालें आर डॉट की वैल्यू. तो आर डॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, आर डॉट यानी डी आर बाई डी टी निकाल रहे हमने, क्या क्या निकाला है, डी आर बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड विथ डी थीटा बाई डी टी. चेन रूल लगा लिया हमने इसीलिए डी आर बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यूज पहले से निकाल ली थी. डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आई थी आर कॉट अल्फा और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकली ओमेगा. सो फ्रॉम दिस द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच इज इक्वल टू आर डॉट इज सिंपली इक्वल टू आर ओमेगा कॉट अल्फा. तो ये हमारे पास रेडियल कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का,
इसी तरह से अगर ट्रांसवर्स कंपोनेंट यूज निकालें, ये क्यों निकालें वेलोसिटी के, हमें तो उसने एक्सेलरेशन के फाइंड आउट करने के हैं। अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमने देखना है, हमें कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रेडियस के साथ क्या एंगल बना रही है, वो हमने प्रूव करना है कि 2 अल्फा एंगल बना रही। तो हम वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट इसीलिए निकाल रहे हैं कि हम यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट सबको पता है कि किसके इक्वल होता है, आर थीटा डॉट। तो आर थीटा डॉट किसके इक्वल है, ओमेगा। तो आर ओमेगा के इक्वल आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वी थीटा आर ओमेगा तो इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर मेगा स्क्वायर होल पावर कितनी होगी, स्क्वायर रूट। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे रह गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन और होल का स्क्वायर रूट। ये किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो इन सब के स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, आर ओमेगा कोसिकेंट स्क्वायर का कोसिकेंट आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है वो ये था कि किधर v इज स्पीड ऑफ पार्टिकल, यानी v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और इसको यूज करना है ना, हमने इसको प्रूफ जो करना है उसके अंदर v आ रहा है, तो देयरफॉर हमने v को निकाला है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड जो कि किसके इक्वल था कि आर ओमेगा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा नहीं बल्कि ये अल्फा आता है ना, आर कॉट अल्फा था, तो मेरा मिस्टेक, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है, तो देयरफॉर ये वाला भी अल्फा है। तो आर ओमेगा कोसिकेंट अल्फा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि स्पीड आ गई आपके पास, अब आपने रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं एक्सेलरेशन के। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन वी नो दैट इट इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर डबल डॉट की वैल्यू हमने निकाली भी आई थिंक नहीं निकाली, तो यहां से आपको आर डबल डॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ओमेगा और कॉट अल्फा कांस्टेंट हो जाएंगे और यहां पे आर डॉट आ जाएगा, तो या तो यहीं पे डाल दें, आर डॉट का मतलब है डी बाय डी टी ऑफ आर मेगा कॉट अल्फा माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट ओमेगा के इक्वल, तो ओमेगा का स्क्वायर ये आ गया। अब इसको करें ना जरा, आर नहीं सॉरी ओमेगा और कॉट अल्फा कांस्टेंट हो गए, बाहर निकल जाएंगे और डी आर बाय डी टी डी आर बाय डी टी आ जाएगा। डी आर बाय डी टी किसके इक्वल है, आर कॉट में, चले मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, डी आर बाय डी टी माइनस आर ओमेगा
स्क्वायर dr by dt ये लिखा हुआ टॉप r cot alpha omega, तो omega cot alpha ये as it is और ये r cot alpha omega आ जाएगा minus r omega square. तो r omega multiply omega omega square r omega square हो जाता है, ये इन दोनों में कांस्टेंट है तो फिर सॉरी कांस्टेंट नहीं कॉमन है तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो. क्या क्या रह जाएगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर अल्फा अल्फा और माइनस और ये जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा. तो ये आपके पास रेडियल कंपोनेंट आ गया अभी तक. इसी तरह से अब आपने ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी निकालना है. ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तो नॉर्मल कंपोनेंट ए एन इज इक्वल टू क्या आता है आर थीटा डॉट डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट वैल्यू फिट करें इसके अंदर आर थीटा डबल डॉट थीटा डॉट क्या है थीटा डॉट था आई थिंक ओमेगा. हाँ तो ये थीटा डॉट है इज इक्वल टू ओमेगा. जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम तो देर फॉर ये जीरो हो जाएगा. यानी डी थीटा डी बाई डी टी ऑफ थीटा डॉट प्लस टू आर डॉट की वैल्यू अभी जो निकाली हुई है हमने आर कॉट अल्फा ओमेगा आर ओमेगा कॉट अल्फा थीटा डॉट की वैल्यू ओमेगा फिट कर दी इधर भी फिट कर दें आर थीटा डॉट क्या है था थीटा डॉट था आपका ओमेगा और ओमेगा क्या था कांस्टेंट था ओमेगा ये कांस्टेंट थी कांस्टेंट तो देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो प्लस टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फा. तो यहाँ से आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट इज इक्वल टू आ गया टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फा. नॉर्मल कंपोनेंट ये हो गया. आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालें लेट करें वो ए के इक्वल है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ए आर और ये किस डायरेक्शन में होता है रेडियल डायरेक्शन में प्लस एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. और ये नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इसको बल्कि थीटा डॉट या जो भी लिया करते हैं. तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है. तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए आर वाले का स्क्वायर प्लस ए एन वाले का स्क्वायर. ए आर स्क्वायर ए आर क्या निकाला था आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन इस सारे का होल स्क्वायर और फिर प्लस नॉर्मल कंपोनेंट का होल स्क्वायर. नॉर्मल कंपोनेंट टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फा टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फा का होल स्क्वायर और इस सारे की पावर वन ओवर टू स्क्वायर रूट है. सिंप्लीफाई करना है अब तो आर की पावर टू ओमेगा का की पावर फोर और इसका स्क्वायर ओपन करें ए स्क्वायर
plus b square minus 2ab. इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 4r square omega की पावर 4 और cot square alpha. तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाता है, होल पावर 1 ओवर 2. कॉमन क्या है, कॉमन है r square omega की पावर 4. तो r square omega की पावर 4 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे रह जाता है cot की पावर 4 अल्फा प्लस 1 माइनस 2 cot square alpha प्लस 4. ये तो दोनों कॉमन, r square omega की पावर 4 और cot square alpha आ गया के पास. और होल पावर कितनी, 1 ओवर 2. तो सिंपलीफाई करें इसको मजीद, r square omega की पावर 4 है तो cot की पावर 4 अल्फा, ये दोनों सेम है, और प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस 4 है. 4 माइनस 2 प्लस 2 cot स्क्वायर अल्फा प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये वाली चीज़ है, खाली यहाँ पे माइनस गया प्लस आ गया, तो फिर इसका मतलब है cot स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है ये, और इस सारे का होल स्क्वायर रूट. तो यह आ गया आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 मल्टीप्लाइड विद कॉट अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस सारे का होल स्क्वायर रूट. सबके स्क्वायर रूट्स सेपरेट आउट करें तो आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद कॉट अल्फा प्लस 1. सिंपल, ये मैग्नीट्यूड आया अभी तक हमारा. अब वैल्यूज हमने फिट करनी है. जो v का हमने आंसर निकाला था वो था v का आंसर, v यानी मैग्नीट्यूड का. अच्छा, ये cot स्क्वायर अल्फा बनता है क्योंकि cot की पावर 4 है. 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर अल्फा. तो 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, cosecant स्क्वायर अल्फा. तो इसको थोड़ा सा और हमने लिखना है आगे. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा. तो आर ओमेगा स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा. तो इसमें से जो आर ओमेगा कोसेकेंट अल्फा वो किसके इक्वल है, स्पीड के मैग्नीट्यूड के, स्पीड के इक्वल सॉरी. तो इसको लिखेंगे आप आर ओमेगा कोसेकेंट अल्फा, रह क्या जाता है ओमेगा, रह जाता है ओमेगा को बाहर करते हैं, एक ओमेगा को आर ओमेगा, बल्कि ऐसे ना लिखें इसको. इसका स्क्वायर अगर लें तो क्या आता है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा. तो हमारे पास सिर्फ जो है ना आर स्क्वायर नहीं है, तो हम इसके साथ आर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं. तो 1 बाय आर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा हो गया. तो यानी कि 1 ओवर आर मल्टीप्लाइड विद आर ओमेगा कोसेकेंट अल्फा का होल स्क्वायर. तो अब आपने क्या करना है, आर ओमेगा कोसेकेंट अल्फा इसकी वैल्यू फिट करें. क्या है ये आर ओमेगा कोसेकेंट अल्फा, इट इज इक्वल टू द स्पीड. तो फिर यही हमने इसको प्रूव करना था कि ये क्या हो गया, 1 ओवर आर मल्टीप्लाइड विद वी का स्क्वायर. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, वेयर वी इज द स्पीड. प्रूव्ड. लास्ट चीज हमने ये चेक करना है कि ये रेडियस के साथ क्या डायरेक्शन बना रही है. अब अगर आप जरा आर्टिकल पढ़े ना सारे के सारे, सबके अंदर जो मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया था और जो डायरेक्शन बताई थी वो मैंने यही बताया था, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स रेडियल के केस के अंदर एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है वो डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, वो हमारी इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बन जाती है. तो वो रेडियल यानी रेडियस के साथ ही हमने फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन. कहा यही गया है कि प्रूव दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मेक्स एंगल 2 अल्फा विद द रेडियस वेक्टर.
तो आप कहेंगे लेट, लेट भी ना करें बल्कि आप सीधा लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ ऑफ एक्सेलरेशन रिलेटिव टू या विद रेडियस वेक्टर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा इज इक्वल टू लेट करें ये कुछ भी है थीटा कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है रेडियल कंपोनेंट सॉरी नॉर्मल कंपोनेंट टैन इनवर्स ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट डिवाइड बाय द रेडियल कंपोनेंट, ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं वहाँ पर, ये मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है। तो टैन इनवर्स ऑफ ए एन बाई ए आर वैल्यूज फिट करनी पड़ेगी, ए एन की वैल्यू क्या आई है नॉर्मल कंपोनेंट 2r ओमेगा स्क्वायर cot अल्फा, 2r ओमेगा स्क्वायर cot अल्फा डिवाइड बाय रेडियल कंपोनेंट ये रहा r ओमेगा स्क्वायर cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1, आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन। अब इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले को एज इट इज लिखा रहने दे दें, 2r ओमेगा स्क्वायर cot अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे में यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह आप कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा करेंगे, यानी एलसीएम उसके बाद फिर आपने एलसीएम कर देना, तो डेफिनेटली यू विल गेट आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर अल्फा, एलसीएम भी कर दिया मैंने यहीं पे, इसको टॉप पे ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 2r ओमेगा स्क्वायर cot अल्फा मल्टीप्लाइड विद साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय आर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड ये वाला सारा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर जो कि कॉस 2 अल्फा के इक्वल होता है, कॉट अल्फा ये क्या होता है कॉज ओवर साइन होता है, तो एक पावर इसके साथ कट जाएगी, तो कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, तो ये कॉज अल्फा साइन अल्फा बन जाएगा सिंपली 2r ओमेगा स्क्वायर, और मेरा ख्याल है यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, टेन इनवर्स आता है टेन इनवर्स इस सारे के साथ, तो इधर भी आप टेन इनवर्स लगा लीजिएगा, टू आर ओमेगा स्क्वायर ये कॉज ओवर साइन, एक साइन इस साइन से कट गया तो कॉज अल्फा साइन अल्फा आ गया, और डिवाइडेड विद यहाँ पे क्या है आर ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो गया कॉज टू अल्फा अब टू साइन अल्फा कॉज अल्फा क्या होता है साइन टू अल्फा, और r ओमेगा स्क्वायर r ओमेगा से कट जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ऊपर आ गया साइन टू अल्फा नीचे आ गया कॉस टू अल्फा, तो क्या हो गया tan टू अल्फा। अब आगे हम सबको पता है कि किसी जब फंक्शन को अप्लाई करते हैं उसके इनवर्स के ऊपर तो आपके पास सिर्फ क्या आ जाता है, ये दोनों कट हो जाते हैं सिर्फ डोमेन का एलिमेंट आ जाता है, तो बचपन में आप सीख के आ गए सेकंड ईयर के अंदर, तो टेन इनवर्स और टेन कट हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ अल्फा रह जाता है, तो यही आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन थी और यही आपने प्रूव किया था। होपफुली ये थोड़ा सा लंबा और लेंथी क्वेश्चन, टफ भी था, टफ नहीं है सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी था, होपफुली आपको ये समझ आएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।